Hello everyone, my name is Shivendra Thor. You're watching your favorite channel, The Black Coat. I hope you are well. It's the second video of the lecture series of CPC. इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एफिडेविट क्या होता है, सूट क्या होता है, प्लेंट क्या होता है और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे ये चीजें फाइल की जाती हैं, कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशन होती हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंग्रेडियंट और कंटेंट होते हैं. इन सारी चीजों को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं. सबसे पहले हम जानेंगे एफिडेविट क्या होता है और ऑर्डर 19 में इसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट्स बताए गए हैं अंडर सीपीसी. उसके बाद हम जानेंगे फॉल्स एफिडेविट क्या होता है और इसके लिए क्या पनिशमेंट मिल सकती है. फिर हम जानेंगे कि सूट क्या होता है और प्लेंट क्या होती है, प्लेंट को कैसे फाइल किया जाता है, किन कंडीशन में प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है. ये सारी चीजें हम इस लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं और उसके बाद जो नेसेसरी कंटेंट है प्लेंट के, ये भी इसमें कवर होंगे. ऑर्डर 19 ऑफ द कोर्ट सेज इट इज अ स्वॉर्न स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन हु इज अवेयर अबाउट द फैक्ट्स एंड सरकमस्टेंसेस व्हिच हैव टेकन प्लेस. ये एक तरीके का रिटन में स्वॉर्न स्टेटमेंट होता है जो कि जो पर्सन है वो उन सारे फैक्ट्स और सरकमस्टेंसेस के बारे में जानता है जो भी एफिडेविट बनवा रहा है या एफिडेविट फाइल कर रहा है. द पर्सन हु मेक्स एंड साइंस इज नोन एज डेपोनेंट. जो पर्सन एफिडेविट बनवाता है उसको हम कहते हैं डेपोनेंट. द डेपोनेंट मेक्स श्योर दैट द कंटेंट्स आर करेक्ट एंड ट्रू एज पर हिज नॉलेज एंड ही देयर बाई कंसील नो मटेरियल देयर फ्रॉम. और यह माना जाता है कि जो डेपोनेंट है वो किसी भी फैक्ट को कंसील नहीं कर रहा है, सारे जो फैक्ट्स उसमें मेंशन है वो ट्रू हैं. और इसके साइन होने के बाद में जो एफिडेविट है, जब तक उस पे ओथ कमिश्नर या नोटरी ऑफिसर के साइन और मुहर नहीं लग जाती है तब तक उस एफिडेविट को कंप्लीट नहीं माना जाता है. और जो ओथ कमिश्नर या नोटरी ऑफिसर होता है उसको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो डेपोनेंट है उसके साइन किसी भी तरीके से फॉर्ज ना हो, मतलब उसको किसी भी तरीके से मिथ्या पूर्वक ना बनाया गया हो. द एफिडेविट शैल बी ड्राफ्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कोर्ट. इट मस्ट बी पैराग्राफ्ड एंड नंबर्ड प्रॉपरली. जो भी एफिडेविट में चीजें लिखी गई हैं वो पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए. सारे फैक्ट्स नंबर्ड होने चाहिए और पैराग्राफ में होने चाहिए ताकि जो एफिडेविट में चीजें मेंशन है उसको ठीक प्रकार से जाना जा सके. इवन दो द एफिडेविट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कोर्ट, इट बेसिकली मींस अ स्वॉर्न स्टेटमेंट इन राइटिंग मेड स्पेशली अंडर द ओथ और अफर्मेशन बिफोर एन ऑथराइज्ड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट. एक्चुअली जो एफिडेविट वर्ड है इसको पूरे कोड में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसकी अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें तो ये एक तरीके से प्रतिज्ञा स्वरूप स्टेटमेंट होता है जो कि राइटिंग में होता है और इस पे ओथ और जो अफर्मेशन होता है या जो नोटरी ऑफिसर और ओथ कमिश्नर होते हैं उनकी जो अटेस्टेशन है उसके बाद ये ऑथराइज्ड हो जाता है और मजिस्ट्रेट या के सामने या कहीं पे भी इसको लगाया जा सकता है. एक तरीके से आप एफिडेविट को ये मान के चलिए कि वो जो डेपोनेंट होता है उसकी तरफ से जो सारे फैक्ट्स होते हैं उसका एक एविडेंस होता है रिटन में जो ये प्रूफ करता है कि क्या क्या चीजें जो डेपोनेंट है वो कोर्ट के समक्ष या किसी और ऑफिशियल के समक्ष रखना चाह रहा है. देखते हैं कौन कौन से एसेंशियल्स हैं एक एफिडेविट के लिए. जो एफिडेविट है ये एक तरीके से रिटन डिक्लरेशन होता है डेपोनेंट के द्वारा और जो एफिडेविट में चीजें मेंशन है वो किसी भी तरीके से एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए. जो फैक्ट्स डेपोनेंट ने मेंशन करवाए हैं एफिडेविट में वो पूरी तरीके से ट्रू हो और क्लियर हो. इट मस्ट बी इन द फर्स्ट पर्सन, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी स्टेटमेंट विच आर टेकन ओथ. ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो जो ओथ कमिश्नर है या कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है या मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा अफर्म्ड होने चाहिए. कंटेंट्स ऑफ एफिडेविट एज पर रूल 3, रूल 3 कहता है सीपीसी का दैट एन एफिडेविट शैल कंटेन्स ओनली दोज फैक्ट्स टू विच द डेपोनेंट इज अवेयर.
डिपेंडेंट उन फैक्ट्स के बारे में अवेयर होने चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि जो फैक्ट वो उसमें मेंशन कर रहा है वो सत्य है या ट्रू है। टू हिज पर्सनल नॉलेज, उसके जो नॉलेज में है ये चीजें रहनी चाहिए, जो एफिडेविट में है वो पूरी तरीके से सही है और उसके बारे में वो जानता है। However, interlocutory applications can be filed wherein he can admit his belief. उसके बाद देखते हैं false affidavit, क्या होगा अगर कोई affidavit forged कर रहा है या मिथ्या स्वरूप कोई affidavit पेश कर रहा है कोर्ट के सामने। तो इसके लिए provisions हैं under section 191, 193, 195 and 199 of CPC. अगर आपको ये याद रखना है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 190 के बाद जितनी भी विषम संख्याएं हैं एक्सक्लूडिंग 197 वो सारी डील्स करती हैं फॉल्स एफिडेविट से रिलेटेड। देखिए 91, देन 93, 95 और 97 को छोड़ के 99, तो ये सारी आपके जो सेक्शंस हैं ये फॉल्स एफिडेविट से पर्टेनिंग हैं। उसके बाद अगर कोई फॉल्स एफिडेविट मान लो लगा देता है कोर्ट की प्रोसीडिंग में तो इसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और जो कोर्ट है उस पर्सन के अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकती है और स्ट्रिक्ट एक्शंस आर टेकन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स हु फाइल्स फॉल्स एफिडेविट। और अगर जो पब्लिक ऑफिशियल्स है वहां पे जिसने फॉल्स एफिडेविट लगवाया है तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई यहाँ पे हो जाएगी। अब देखते हैं 193 में कैसे और कौन सी पनिशमेंट दी जा सकती है फॉर फॉल्स एफिडेविट। जो पर्सन है उसको जिसने की जुडिशियल प्रोसीडिंग के बीच में कोई फॉल्स एफिडेविट लगाया है या फॉल्स एविडेंस दिया है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक के लिए होगी और इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी लगाया जा सकता है। Whoever intentionally gives or fabricates false affidavit or evidence in any case shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 3 years, 3 साल की सजा और फाइन उन केसेस में भी मिलेगी अगर कोई दूसरे केस में फॉल्स एफिडेविट या एविडेंस लगाता है और या फैब्रिकेट करता है। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एक डिफेंस मिल सकता है जो पार्टी है कि अगर उसका इंटेंशन नहीं है, मान लो मुझको पता नहीं था कि ये जो फैक्ट या मैं उसमें लगा रहा हूं एफिडेविट में या जो एविडेंस पेश कर रहा हूं मुझको पूरी तरीके से ये नहीं पता था कि ये सच है या झूठ है और वो मेरी तरफ से लग गया है तो उसके लिए मुझको सजा नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने जो पहले लेक्चर थे उसमें बताया आपको कि मेंसरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है अंडर क्रिमिनल प्रोसीडिंग। देखते हैं दोस्तों कि सूट क्या होता है अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। सूट का जो डेफिनेशन है वो भी आपको कोड में कहीं भी किसी सेक्शन में नहीं मिलेगा। इसको डिफाइन किया था हंसराज गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेमवे कंपनी लिमिटेड के केस में, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा कि सूट एज अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ सूट। जो सूट होता है वो सिविल प्रोसीडिंग में जब कोई जो प्रेजेंटेशन है जो रेमेडीज चाहिए उसके लिए जब जो वादी है वो कुछ प्रेजेंट करता है तो उसको हम कहते हैं सूट। उसके बाद पांडुरंग रामचंद्र वर्सेस शांतिबाई रामचंद्र का केस था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा सूट इज टू बी अंडरस्टूड टू अप्लाई ऑन एनी प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बाय विच अ इंडिविजुअल परस्यू दैट रेमेडी विच द लॉ एफर्ट्स। इसमें जो इंडिविजुअल है वो जब कोर्ट परस्यू करता है फॉर रेमेडी तो उसको हम कहते हैं सूट। अब सूट को अगर आपको कोर्ट में दायर करना है तो उसके लिए एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं प्लेंट। अगर किसी सूट का जो सबसे पहला चरण होता है या कमेंसमेंट होता है उसको हम कहते हैं प्लेंट। प्लेंट एक तरीके से जिसको हिंदी में हम वादपत्र भी कहते हैं, तो आप अंदाजा ये लगाइए कि जो पहला चरण होगा उसमें कोर्ट कैसे जानेगा जब आप कोर्ट को कुछ भी एप्लीकेशन में लिख के प्रस्तुत करेंगे। तो जब कोर्ट के सामने प्लेंट जाती है तो कोर्ट को पता चलता है
कि आखिर प्लेंटिफ को कोर्ट से या सूट से क्या चाहिए, कौन कौन सी रेमेडीज वो चाहता है और क्या कॉज ऑफ एक्शन उठता है जिसके लिए उसको रेमेडी चाहिए और किस टाइम पे कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ है। ये सारी चीजें एक प्लेंट में मेंशन की जाती हैं एज अ रिटन डॉक्यूमेंट और फिर वो जो सूट है उसका कमेंसमेंट हो जाता है। असल में दोस्तों जो कॉज ऑफ एक्शन है वो टू डिवीजन कंसिस्ट करता है इन प्लेंट। सबसे पहला द फैक्चुअल सिचुएशन, जो असल में फैक्ट हैं, ट्रू फैक्ट्स हैं वो प्लेंट में मेंशन किए जाते हैं, और दूसरा सेकंड इज लीगल रेमेडी दैट द प्लेंटिफ सीक्स फ्रॉम द कोर्ट। दूसरी है लीगल रेमेडी जो हमारे प्रोविजंस में है, एक्ट में है, जो प्लेंटिफ चाहता है कोर्ट से एज अ रिवॉर्ड। अ प्लेंट इज कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज अ फॉरमोस्ट एंड इनिशियल स्टेज। ये सबसे इनिशियल स्टेज होती है जो किसी सूट को कमेंस करती है। टू फाइंड द सिविल कोर्ट ऑफ अप्रोप्रिएट ज्यूरिडिक्शन, और हम अपना सूट कहाँ फाइल करेंगे जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट ज्यूरिडिक्शन की कोर्ट होगी उसमें हम अपना प्लेंट ले जाकर सूट फाइल करेंगे। उसके बाद ऑर्डर 7 देख लेते हैं दोस्तों सीपीसी का। इसमें पर्टिकुलरली जो प्लेंट से रिलेटेड बात की गई है, इसमें जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है और किस तरीके से प्लेंट कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी ये बातें इसमें बताई गई हैं। ऑर्डर 7 याद रखिएगा आप दोस्तों। तो ऑर्डर 7 के ही रूल 1 से 8 में कहा गया है पार्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट, प्लेंट के कौन कौन से नेसेसरी पार्टिकुलर्स हैं या इंग्रेडिएंट हैं। इसको प्लेंट को दोस्तों मैंने एक और लेक्चर में किया है कवर, अगर आप उसको बहुत ज्यादा ब्रीफ होके पढ़ना चाहते हैं तो वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद रूल 9 जो है सीपीसी का वो डील करता है हाउ द प्लेंट विल बी एडमिटेड एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द प्रोसीडिंग, कि प्लेंट कैसे कोर्ट में एडमिट होगी और उसके बाद की प्रोसीडिंग कैसे होगी। फिर उसके बाद जो रूल 10 और 10B है ये कहता है रिटर्न ऑफ द प्लेंट एंड द अपियरेंस ऑफ पार्टीज, कि प्लेंट को कैसे जो कोर्ट है वो रिटर्न कर सकती है, क्या कंडीशंस हैं उसके लिए, और पार्टी प्लेंट रिटर्न हो जाने के बाद में फिर कैसे अपियर करेगी कोर्ट में। रूल 11-13 कहता है रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, क्या कंडीशन हो सकती हैं और क्या सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं जब कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है एंड द प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। ये इसमें वो कंडीशंस रहेंगी जिसके आधार पे प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। सेक्शन 26 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड स्टेट्स एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो कोई भी सिविल सूट होता है वो प्लेंट को दायर करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि तभी कोर्ट आपके बारे में जानेगी कि आपको क्या रेमेडीज चाहिए, कैसे कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ और क्या सरकमस्टेंसेस या फैक्ट थे उस केस के। दिस सेक्शन क्लियरली शो द प्लेंट इज अ वेरी नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सूट बिफोर द सिविल और कॉमर्शियल कोर्ट। सिविल कोर्ट हो या कॉमर्शियल कोर्ट हो दोनों के लिए जो प्लेंट है वो इनिशियल या इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। अभी दोस्तों जब हम बात कर रहे थे ऑर्डर 7 की तो सबसे पहला पार्ट उसमें हमने पढ़ा था रूल 1 से 8 जो डील्स करता है पार्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट। दोस्तों आप एक अधिवक्ता हो या स्टूडेंट हो, अगर आप पीसीएसजे में एक प्लेंट लिखने को आती है आपको, और वहीं अगर आप अधिवक्ता हैं तो कोर्ट में आपको कोई भी अगर आप सिविल कोर्ट या कॉमर्शियल केस लड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको प्लेंट जरूर बनानी रहेगी। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं जो प्लेंट में मेंशन करने जरूरी रहेंगे और तभी एक अच्छी प्लेंट आप तैयार कर पाएंगे, और एक तरीके से आप मान के चलिए जो प्लेंट है वो हमारे सूट का आधार होती है। तो इसलिए जो प्लेंट है वो बहुत ही इन्फ्लुएंसिव और वेरी क्लियर होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से पर्टिकुलर्स हैं। नेम ऑफ द कॉमर्शियल और सिविल कोर्ट, उस कोर्ट का नाम जहां पे हम प्लेंट को दायर करने वाले हैं। डिटेल्स ऑफ द प्लेंट सच एज द नेम, एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन, प्लेंटिफ का नाम, एड्रेस और उसके बारे में अन्य जैसे उसकी उम्र या उसका जो सेकंड एड्रेस है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहेंगी। नेम, रेसिडेंस, वही सेम चीजें डिफेंडेंट की भी।
डिफेक्ट और प्रॉब्लम्स इन हेल्थ और एनी टाइप ऑफ, अगर कोई डिसेबिलिटी है जो प्लेंटिफ है उसको, अगर किसी भी तरीके की हेल्थ डिसेबिलिटी है तो उसको भी प्लेंट में मेंशन करते हैं। फैक्ट ड्यू टू विच कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस एंड वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, दो चीजें। सबसे पहली चीज की कॉज ऑफ एक्शन क्यों अराइज हुआ और किस समय अराइज हुआ, ये दोनों चीजें प्लेंट में मेंशन होनी जरूरी है। Also, those facts which help in recognizing the jurisdiction, और वो सारे facts जो court के jurisdiction को तय कर पाएं। Relief which the plaintiff seeks from the court, अगर आप कोई application डालते हैं किसी भी official के पास में, तो आप बताते हैं उसमें कि आपको क्या remedies चाहिए, as a reward आप क्या चाहते हैं, तो वो चीजें भी उसमें mention करेंगे हम। The plaint should contain the amount which has been so allowed, और उसमें वो अमाउंट जो हमको उस केस से संबंधित दिखाई पड़ रहा है या जो उससे संबंधित अमाउंट है वो भी प्लेंट में हम मेंशन करेंगे, उसके ही बिहाफ पे जो कोर्ट फीस है वो हमारी तय होगी। फिर उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ज्यूरिडिक्शन, जो बात पहले बताई आपको मैंने फीस से रिलेटेड, तो जो वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर की उसको हम ना कि केवल ज्यूरिडिक्शन के लिए बल्कि कोर्ट फीस के लिए भी मेंशन करना जरूरी है। और फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, द कंटेंट दैट शुड बी ऑन प्लेंट इज द प्लेंटिव वेरिफिकेशन ऑन ओथ, जो प्लेंट का लास्ट पार्ट होता है उसमें जो प्लेंटिव है वो ओथ लेता है, या जैसे आपने अभी एफिडेविट पढ़ा था तो वो एक तरीके से प्रतिज्ञाबद्ध रहता है कि जो भी उसने फैक्ट प्लेंट में लिखवाए हैं या लिखे गए हैं वो सारे सत्य हैं। और दोस्तों, जो अगर आप एक अधिवक्ता हैं या अगर आप क्लाइंट भी हैं, तो आप प्लेंट को बहुत कायदे से पढ़िए कि उसमें क्या आपने कॉज ऑफ एक्शन मेंशन किया है कि नहीं, पार्टीज के नाम सही है कि नहीं, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू सही मेंशन है या नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके केस को मजबूत बनाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ अ वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, अगर आप इन लेक्चर्स की पीडीएफ नोट चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मेरी वेबसाइट पे और मेरे फेसबुक अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे और लिंक्डइन अकाउंट पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं।